पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम ने इतनी हल्की टीम समझ रखी कि जब पिछले मैच रद्द हो तो पाकिस्तान की टीम इतनी उछल गई कि बरसात होगी जितना इंडिया की टीम बच गई रही होगो वही होगो वरना टीम इंडिया ने मेरा देता। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि टीम इंडिया कल पाकिस्तान ने भी की औकात दिखा दी और टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम ने भी की औकात दिखाई। पाकिस्तान की टीम ने इतनी बुरी तरीके से धोई कि पाकिस्तान की टीम यह धुलाई अगला कुछ मैचों तक याद रखेगी। जब 2 अक्टूबर ने मैच रद्द हो तो भी मैच में टीम इंडिया ने 266 रन बनाया और पाकिस्तान की टीम ने लाग रहे हो कि पाकिस्तान की टीम 266 रन आराम से बना लेगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम से 266 तो बहुत दूर की बात है। कल के मैच में सिर्फ 128 रन ही बने वो तो विराट कोहली 1 छक्का कम मारे हो जिस कारण से पाकिस्तान की टीम सिर्फ विराट कोहली से 6 रन से जीत पाई। विराट कोहली का 122 रन और पाकिस्तान की टीम की मिला के बनाई 128 रन। विराट कोहली 1 छक्का कम मारे हो वरना विराट कोहली अकेले ही पाकिस्तान की टीम ने हरा दो। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पाकिस्तान की टीम अबाला वर्ल्ड कप में एक भी मैच जीत पा का लाइक कुंड रही। तो एक बार हम बात कर रहे हैं वीडियो में तो वीडियो पूरी जरूर देखियो और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी करके जाओ। इंडिया और पाकिस्तान को सुपर फोर में 10 सितंबर में मुकाबला हो जो मैच पहले दिन बरसात के कारण कुनी हो पाए हो लेकिन दूसरे दिन टीम इंडिया 50 ओवर में 356 रन को टारगेट खड़े करो। इस मैच में शुभम गिल और रोहित शर्मा की 50 शामिल ही और बक्स आगे सागे विराट कोहली 122 रन जबकि केएल राहुल भी 111 रन बनाया। केएल राहुल बहुत दिन बाद में पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में वापसी करी है। केएल राहुल और विराट कोहली के कारण टीम इंडिया 256 रन को टारगेट हासिल करो और बाकी को बच्चों कुछ काम कुलदीप यादव कर दियो। कुलदीप यादव पाकिस्तान की टीम का 8 में से 5 विकेट आपके नाम कराया और आपकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच में रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और कुलदीप यादव ये 5वीं मिलकर टीम इंडिया ने एक तरफा जीत दिला दी। लेकिन पाकिस्तान की टीम से जीतने के साथ साथ पाकिस्तान की टीम में भी दिलचस्प चुके हैं। पाकिस्तान की टीम का 2 महत्वपूर्ण बॉलर हरी श्रॉफ और नसीम शाह अब टोटल हो गए और इनकी चोट कुछ ज्यादा ही गहरी है क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान की बैटिंग में बैटिंग करने भी कोई आया। हरी श्रॉफ और नसीम शाह पाकिस्तान की टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर है तो इन दोनों बॉलर का टोटल होने के कारण पाकिस्तान की टीम अब अदृश्य हो गई है और अगर इन दोनों खिलाड़ी की चोट गहरी रही और ये अगला महीना ओबाला वर्ल्ड कप में नहीं खेला तो पाकिस्तान की टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलने और न खेलने की बात है। ये दोनों खिलाड़ी ही पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग की रीढ़ के ढीं तो अब पाकिस्तान की टीम दुआ करती कि इन दोनों खिलाड़ी का चोट ज्यादा न हो और ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप में वापसी कर ली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।